इस समय हम वाराणसी के सिगरा स्थित खड़े हैं और जहां पर लोग जानना चाहते हैं कि बनारस वाले मिश्रा जी की इस बार चुनाव पर क्या है उनकी मुहिम और क्या है उनकी बात, आखिर जनता क्या चाहती है काशी की, क्या इस बार चेहरा बदलेगा या फिर वही चेहरा फिर से 400 पार वाला जो नारा है बीजेपी का वो दिखाई देगा। सबसे पहले हमारे पब्लिक लाइव चैनल में आपका मिश्रा जी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जुनैद भाई। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे इस बार का जो चुनाव है काफ़ी अहम माना जा रहा है और काफ़ी चर्चित देखा जा रहा है, इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, ये चुनाव चर्चित नहीं है, ये चुनाव मुद्दे आधारित पर होने जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी एकदम चरम पर है, बहन बेटियों की इज्जत एकदम दांव पर है, किसानों के छातियों पर गोली दागी जा रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा गुंडागर्दी और जो है विपक्ष के नेताओं को जेल भेजा जा रहा है। यह है पूरा जो है पिछले 10 साल का कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी का। देश की सारी संपत्तियां बिक चुकी हैं, बोलने पर लोगों को जेल भेजा जा रहा है और जेल में भी माननीय लोगों को जहर दे करके मार डालने की कोशिश की जा रही है और मार भी डाल रहे हैं। तो इस मुहिम से, इस पूरे प्रकरण से हम लोगों की जो मुहिम है वो भाजपा मुक्त भारत की मुहिम है और हम चाहते हैं कि बनारस से लगाए पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत में भाजपा की ये जो क्रूर और गद्दार वाली सरकार है ये सत्ता से बाहर जाए और इस पर हम लोग 100% काम कर रहे हैं। मिश्रा जी, एक नारा बीजेपी का है कि 400 पार, और वहीं अगर बात करें तो कल सपा ने देर लिस्ट जारी किया है, अतर जमाल लाहरी को बनारस से सामने खड़ा किया गया मोदी जी के टक्कर पे, तो क्या लगता है? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से अतहर जमाल लारी जी यहाँ पूर्व सांसद के प्रत्याशी रहे हैं बस, और अपना दल से लगभग 1,00,000 वोट वो 2004 में पाए थे, तो इस समय तो और भी ज़्यादा आक्रोश है नरेंद्र मोदी के झूठ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के ब्लफ के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के जो है झांसा के खिलाफ, जुमले के खिलाफ। तो हमको यह लगता है कि जो मूल बनारसी है, बाहरी बनारसी नहीं, आयातित बनारसी नहीं, आयातित बनारसी देखिए ये सब बिल्डिंग में रहते हैं गुजराती लोग, वो तो देंगे, लेकिन मूल बनारसी अपना मूड बना चुका है कि ये मोहब्बत का जो बनारस है, इस मोहब्बत के बनारस में नफ़रत की खेती करने वाले नरेंद्र मोदी का दाल नहीं गलने वाला है। माँ गंगा को धोखा दिया, बाबा के नाम पर वोट लिया, मस्जिद के नाम पर जो है नफरत फैलाया, हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगा कराने की कोशिश किया, तो बनारस अब अपने आप को बचाने के लिए नरेंद्र मोदी के हराने के मूड में है और नरेंद्र मोदी को पिछले 2 चुनाव में जो है विपक्ष, नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को पिछले 2 चुनाव से ज़्यादा वोट मिलने जा रहा है, जिस बात का यह सबूत होगा कि नरेंद्र मोदी से लोगों का मन भर गया, नरेंद्र मोदी की काली कमाई, काली सोच, काली विचारधारा का पर्दाफाश हो चुका है। ये तो रही चुनावी मुद्दे की बात, अभी हाल में आपने देखा होगा एक बड़ा नाम जो कि जिसको कहते हैं डॉन, मुख्तार डॉन भी कहा जा रहा है, मसीहा भी कहा जा रहा है, तो इनको आप किस तरीके से आप देख रहे हैं? हम तो मसीहा के नाम से जानते हैं। किस तरीके से मसीहा आप मान रहे हैं? 5 बार का जो है जनता ने को सदन में भेजा जिता करके, हम आप तो भेजे नहीं, और जो लोग डॉन कह रहे हैं क्या वो कभी गाजीपुर गए हैं जाके कह के हमें डॉन है, पकड़ के थोबड़ा लाल कर देंगे सब जनता, वो छोड़ो अंसारी परिवार को कि अंसारी परिवार आपको जवाब देगा, उससे पहले जनता, और जनता में भी कौन मुसलमान नहीं, हिंदू का अगड़ा पिछड़ा OBC दलित दौड़ा के जो है बुद्धि ठिकाने लगा देगा। इसलिए कोई भी हो, गोदी मीडिया की तरह आप उस आदमी को डॉन मत कहिए, उस आदमी को ज़बरदस्ती आप जेल में बंद कर करके अपने आप को जो है बहुत बड़ा 56 इंची वाला सीना बन रहे हैं। अरे शेर थे तो सामने आमने सामने रख करके जो है चुनाव तो लड़ लेते, समझ में आ जाता, और लड़ तो रहे हैं अब जाल अंसारी, डॉन का भाई जीतना चाहिए, चुनाव आएगा 4 जून को, रिजल्ट देखिएगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड से अफजाल अंसारी जीतने जा रहे हैं गाजीपुर से, तब आइएगा हम पूछेंगे आपसे कि मसीहा को जनता जिता रही है कि डॉन को जिता रही है। बिल्कुल, एक तरफ ये भी देखा गया कि पिताजी के मौत पर अब्बास अंसारी को नहीं मिली, मतलब कि उनको बाप को मट्टी दे सके, जो कि ये बहुत बड़ी परंपरा होती है कि अगर जेल में भी हैं तो उनको पैरोल पे लाकर वहाँ पर उनको मट्टी देना चाहिए, मगर इसको किस तरीके से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी बलात्कारियों को पैरोल पर भेज देती है, जैसे राम रहीम है एक ठो, कितना बड़ा बलात्कारी है, बाबा है, भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है वो, 7-7 महीना उसको अय्याशी करने के लिए पेरोल पर छोड़ा जाता है, लेकिन अब्बास अंसारी को अपने बाप को मिट्टी देने के लिए नहीं भेजा गया। तो ये कायरतापूर्ण हरकत है योगी सरकार की, और कायरता से माने डरी हुई है भाजपा पूरी तरीके से, योगी बाबा पूरी तरीके से मुख्तार अंसारी परिवार से डरे हुए हैं, इसीलिए उनके बच्चों का दमन किया जा रहा है, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे फ़ख्र है अंसारी परिवार पर कि
शेर का औलाद के आंखों में कभी आंसू नहीं आते हैं, एक भी आंसू और जरा सा भी डर अंसारी परिवार के चेहरे पर आप दिखा दीजिएगा पत्रकार महोदय, तो हम आपके सामने यह दावा करते हैं कि हम राजनीति करना छोड़ देंगे। मिश्रा जी, एक चीज़ और भी देखा गया था कि उनके मृत्यु के बाद, मतलब सपूत खाक के बाद जो जन सैलाब था, उसके बाद आप भी मिलने गए थे, तो किस तरीके से आपने मुलाकात की, किस तरीके से उनके परिवार को आपने हौसला दिया, बुलंद किया? देखिए, हम उस परिवार को कहे कि जब तक आपके ऊपर दमन अत्याचार और सरकारी गुंडागर्दी आपके साथ होता रहेगा, तब तक मैं आम आदमी होकर के भी मैं आपके परिवार के साथ खड़ा हूँ। हमारी जो लड़ाई है वो लड़ाई जो है अत्याचार दुराचार गुंडावाद के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस समय जो है अत्याचारी हो गई है, बलात्कारी हो गई है और गुंडागर्दी का जो है सहनशाह हो गई है। तो ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ मैं उनको साहस देने गया था और मुझे साहस देने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, क्योंकि वो सब खुद साहसी कोख से निकले हुए औलाद हैं। मुझे फ़क्र हुआ कि मैं भी समय निकाल के उस फाटक पर गया, वहाँ के लोगों से मिला और निश्चित रूप से अंसारी परिवार का जो टेलर है वो कायम रहेगा उत्तर प्रदेश में और जनता उन्हें अपार प्यार देगा। मिश्रा जी, कहा जाता है कि बीजेपी के विपक्ष हमेशा आप बोलते हैं, कहीं ना कहीं सूत्र के हवाले से ये भी बात आती है कि शायद बीजेपी के विपक्ष बोलने से ही आप अपने आप को टीआरपी चाहते हैं, इसलिए ये मुद्दा भी सामने आता है, इसको किस तरीके से साफ करेंगे? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, बागी ही बगावत कर सकता है। किसी दलाल को आपने कभी बगावत करते हुए देखा? किसी गुलाम को आपने बगावत करते हुए देखा? देखिए, बनारस है, बनारस तर्क की राजधानी है, बनारस विपक्ष की राजधानी है, बनारस व्यंग की राजधानी है, बनारस शिक्षा की राजधानी है। तो हम अपने बनारस की परंपरा को एक कदम और आगे बढ़ाते हुए, शहर है बनारस बगावत का भी शहर है, तो उस बगावत के खिलाफ अब जो भी लोग कहें टीआरपी, हम कह रहे हैं कि जब हमने तो एक रास्ता खोला लोगों को जीने का, जो लोगों को नाम कमाने का, हमें सब लोग हमें खूब भाजपा को करिए, हमें खूब टीआरपी कमा ले, अपने क्यों नहीं कमा ले रहे हैं? तो कलेजा चाहिए और वो कलेजा गुजराती गैंग में नहीं है, वो कलेजा भाजपाइयों के कोख में नहीं है। हम लोग दलाली करके राजनीति करने नहीं आए, सावरकर और मुखर्जी का औलाद नहीं, हम गांधी और अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम लोग वीर अब्दुल हमीद को प्यार करने वाले लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम हमारे जो है माई बाप हो सकते हैं। तो ये भाजपाई तो जलवे करेगा, भाजपाई को हम और जलाने के लिए कहते हैं कि जलो, लेकिन फिर भी एक संदेश देना चाहते हैं भाजपाइयों को कि जलो मगर दीपक की तरह, लेकिन ये जल रहा है चिता की तरह, तो उसका दोष है, हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल मिश्रा जी, अब हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने कहा कि इस बार चुनाव पर 2024 पे लोकसभा चुनाव पर चेहरा चाह रही है जनता, बदल लाओ देखना चाह रही है, तो क्या बिल्कुल लग रहा है कि 412 का नारा जो है ये फेल नजर आता आएगा? अच्छा, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप किसके बात पर विश्वास कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के? नरेंद्र मोदी ने कहा था कि नोटबंदी से बहुत फायदा होगा देश को, नोटबंदी हुआ देश टूट गया। उसी नोटबंदी को लेकर के नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अगर 50 दिन का मौका दीजिए, मैं अपना गारंटी देता हूं कि अगर 50 दिन के बाद अगर आपको असुविधा हुई और देश का घाटा हुआ तो हम किसी चौराहे पर आएंगे और आप हमको 50 जूते कहीं मान लीजिए। कभी आए नरेंद्र मोदी 50 जूता खाने? नोटबंदी तो फेल हो गया। कह रहे थे किसान की दुगनी आय है, किसानों को मारा, 700 किसानों को मारा आंदोलन करा करके, फिर छातियों पे गोली मारा, फिर उसका सांसद अदय मिश्रा टेनी, उसका लड़का जो है लखीमपुर खीरी में छातियों पर उल चढ़ा दिया, कहीं कुछ बोला? मणिपुर पे बहन बेटियों के लिए कभी बोला? पहलवान बेटियों के लिए बोला? ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कोई एक्शन लिया? भारतरस की बेटी के खिलाफ के पक्ष में कभी बोला? तो उस फ्रॉड आदमी की बात पर आप विश्वास कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी 400 पार नहीं, 40 पार भी नहीं होंगे इसकी बार, देख लीजिएगा। देश का मिजाज बदल चुका है, देश के लोग अपने देश के तिरंगा अपने माटी के लिए वोट करने जा रहे हैं, किसी भाजपा और किसी दल के लिए चुनाव नहीं करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उन्होंने कहा कि देश और दुनिया हर को चाहता है कि अब चेहरा बदलेगा, क्योंकि अब उन चेहरा बदलना जरूरी है, क्योंकि अब महंगाई से हर कोई परेशान है, मतलब कि जो आगामी लोकसभा चुनाव है उसको देखते हुए। हमारे साथ जुड़े हुए थे बनारस वाले मिश्रा जी, और ये कहानी राजनीति से शुरू करते हुए जो मुख्तार की मौत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि इनको डॉन अगर ना कहा जाए मसीहा कहा जाए, क्योंकि उनका जो जब उनका जब जनाजा जा रहा था सपूत खाक के लिए, तो जो भीड़ थी उनकी मट्टी में, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो डॉन थे या मसीहा। अब तो तय करेगी जनता कि आखिर लोकसभा 2024 में कौन बनेगा चेहरा नया सामने आएगा, वो भी अब देखने वाली बात होगी। वाराणसी से कैमरा पर्सन खुर्शीद के साथ पब्लिक लाइव के लिए जुनेद वाराणसी से।